नमस्कार, आज के इस बुलेटिन में सुनेंगे गंगा परियोजना के तहत 300 करोड़ रुपया की लागत खर्च से 10 किलोमीटर तटीय बांध बनेगा। पहले मुख्य समाचार। गंगा परियोजना के तहत 300 करोड़ रुपया की लागत खर्च से भागलपुर बरारी के शमशान घाट से बाबूपुर रजंतीपुर फरका होते हुए ममलखा तक 20 मीटर चौड़ा, 6 मीटर ऊंचा, 10 किलोमीटर लंबा तटीय बांध बनेगा। अब समाचार विस्तार से। गंगा नदी के जलस्तर से तटीय बांध की ऊंचाई 6 मीटर होगी। करीब 300 करोड़ रुपया की लागत खर्च से इसका निर्माण होगा। इसके लिए स्थानीय लोगों की जमीन लिया जाएगा। इसमें बरारे के इंडस्ट्रियल एरिया आवासीय और कुछ गांवों का जमीन अधिग्रहण किया जाएगा। इसके लिए 250 करोड़ रुपया की मुआवजा का भुगतान करने की संभावना है। गंगा परियोजना तटीय बांध के लिए जिला स्तर पर कार्य योजना बनाकर जल संसाधन विभाग को भेजा गया है। जल संसाधन विभाग की ओर से मंजूरी मिलने के साथ काम शुरू होने की संभावना है। हालांकि 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद इस दिशा में पहल तेज होने की संभावना है। मंजूरी मिलने के बाद भू अर्जन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके लिए डीएम अध्यक्षता में 6 सदस्य की कमेटी गठित की गई है। कमेटी स्थल पर जाकर निरीक्षण करेगी और अर्जित की जाने वाली जमीन दर तय की जाएगी। इसमें देखा जाएगा कि कहां आवासीय और कहां योग्य जमीन है। बैरिया दियारा से लेकर काली विसर्जन घाट तक बनेगा चैनल। भेजा गया एस्टीमेट। चैनल बनाकर गंगा को घाट के करीब लाने के लिए कार्य योजना बनाकर जल संसाधन विभाग को भेजा गया है। नाथ नगर बैरिया दियारा के डाउन स्ट्रीम में अभी वर्तमान समय में गंगा नदी की मुख्य धारा बह रही है। बैरिया दियारा से चैनल बनाकर बुढ़ानाथ के पास होते हुए मायागंज अस्पताल के पीछे काली विसर्जन गंगा घाट में मिलाया जाएगा। करीबन 5 किलोमीटर में चैनल का निर्माण होगा। इस एरिया में चैनल बनाने से गंगा नदी के किनारे आसपास टोला टाटी समेत यहां के स्थानीय क्षेत्रों में कई अन्य सुविधा मिलने की संभावना है। गंगा परियोजना तटीय बांध और चैनल बनाने से क्या क्या फायदा होगा। गंगा नदी पर तटीय बांध समेत चैनल बनाने से यहां का स्थानीय टोला टाटी पर्यावरण में सुधार के साथ साथ पर्यटन स्थलों में काफी विकास होगा। गंगा स्नान करने वाले व्यक्तियों को ढेर सारी सुविधा मिलने की संभावना है। हमारे संवाददाता दैनिक भास्कर भागलपुर 21 मई 2024 के अनुसार इस खबरों को पुष्टि करते हुए बताया, डीएम नवल किशोर चौधरी ने इसके लिए 1 महीना पहले सर्वेक्षण किया है। इसके लिए जल संसाधन विभाग को करीब 30 दिन पहले विशेषज्ञ इंजीनियर की टीम आई है। टीम के सदस्य ने बांध निर्माण और चैनल बनाकर गंगा नदी की मुख्य धारा गंगा घाट के करीब लाने के लिए संभावना की तलाश की है। टीम ने पाया कि दोनों प्लान पर काम करने की संभावना है। इसके लिए विभाग की ओर से एस्टीमेट फंड बनाकर मांगा है, जिसमें बनाकर भेज दिया गया है। अब 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद गंगा परियोजना तटीय बांध और चैनल पर इन दोनों फंड पर पहल होगी। चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक G2.0 के साथ गंगा परियोजना तटीय बांध और चैनल बनाने की खबरें बस इतना सा।